राजधानी भोपाल की ऐशबाग पुलिस ने दो शातिर नकाबजनों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी झांसी के रहने वाले हैं और वह लंबे समय से भोपाल ऐशबाग थाना क्षेत्र में रह रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने दो पिस्टल, 21 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और हथियार जब्त किए हैं। एसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि आरोपी अशरफ और अजहर भोपाल के कई थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी मामलों में खुलासा होने की संभावना है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो अपने पास में कुछ हथियार रखे हुए हैं, तो उसकी तस्दीक हेतु यहाँ से रवाना हुए थे। और उन लोगों को वहाँ पर जब चेक किया गया तो उनके पास से दो पिस्टल बरामद हुए, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ था। और उनके पास में से ये आला नकब के जो हथियार होते हैं, जो ऐसे आरी हो गया या पेंचकस हो गया, ये भी मिले थे, जिससे हमें शक हुआ कि इनके पास में शायद ये चोरी करने वाले आरोपी हैं। तो उनको तस्दीक करने हेतु थाने लेके आया गया और उनके आपराधिक रिकॉर्ड चेक करे गए। तो इन लोगों के विरुद्ध में अपराध पाए गए कई थानों में, जैसे कि अशोका गार्डन, बैरागढ़, कोई फिजा, और क्राइम ब्रांच में इनके विरुद्ध में अपराध दर्ज थे। इनसे जब पूछताछ करी गई तो पहले तो आनाकानी करी, बट उसके बाद में उन लोगों ने अपने अपराध कबूल किया। उन लोगों ने ऐशबाग में दो अपराध, पिपलानी में दो नकबजनी, बागसेवनिया और कोई फिजा, इन चारों थाना क्षेत्र में कई अपराध किए हैं, जिसके जो उन लोगों ने मशरूका चुराया था उसकी बरामदगी भी करवाई है, जिसमें लगभग 50 ग्राम का सोना हमने बरामद किया है, 1 किलो की चांदी बरामद करी है, एक सोनी कंपनी की टीवी बरामद करी है, और ये बाकी चीज़ें जो है, ये जो नकबजनी का सामान होता है, ये बरामद किया है।